सिल्वर ब्लैक ही होता है ना। करती हूँ। 2016 में मेरा एक्सीडेंट हुआ और 2018 में फिर मैं एक साल डिप्रेशन में रही। 2018 में फिर मैंने बास्केटबॉल ज्वाइन किया और फिर मैंने पहले नेशनल खेला और फिर मैंने सेकंड नेशनल जो खेला जेएनके को रिप्रेजेंट किया। तब जेएनके की टीम नहीं थी, फिर टीम भी बनाई और उसके बाद जो है मेरा इंटरनेशनल सिलेक्शन हुआ जो मैंने थाईलैंड में खेला। और अभी जो है मैं सेकंड नेशनल खेल के आई हूँ जिसमें हम लोगों ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था और उसमें हमारा सिल्वर आया और सेकेंड पोजिशन। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ इशरत को, उनकी पूरी टीम को। उन्होंने पूरे कंट्री का और स्पेशली मैं तो बारामूला का कहूँगी नाम रोशन किया है, क्योंकि इंटरनेशनली इन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया बास्केटबॉल व्हीलचेयर चैम्पियनशिप में। और मुझे लगता है कि ये एक रोल मॉडल है सारे लोगों के लिए, चाहे वो स्पेशली एबल्ड हों या बाकी लोगों के लिए भी, स्पेशली गर्ल्स के लिए भी, क्योंकि इन्होंने ये साबित किया कि कोई भी चैलेंज जो है वो रुकावट नहीं बन सकता अगर आपने विल है और अगर आपने भरोसा है अपने आप पे, खुदा पे, और आप मेहनत करते जाएं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको पहले अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आपने मेहनत नहीं छोड़नी। चैलेंजेस आएंगे, हर दिन आएंगे, नए नए चैलेंजेस आएंगे, लेकिन आपने मेहनत करते जानी है। एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑल्सो, एज डी सी ऑल्सो, मैंने काफ़ी इशूज़ देखे जो स्पेशली एबल लोगों को हो रहे थे, जैसे रैंप्स की कमी थी, या इवन जब मैंने देखा बास्केटबॉल फील्ड में काफ़ी ऐसी जगहें थी जहाँ पे बास्केटबॉल खेल ही नहीं पा रहे थे। तो पहले ही हमने यहाँ पे गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में एक नए बास्केटबॉल कोर्ट का जो है ऑथराइजेशन दी है। उसके साथ साथ रैंप एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और मैंने ये हिदायत दी है कि सब ऑफिसर्स एंड स्पेशली स्टार्टिंग फ्रॉम डीसी ऑफिस रैम्प्स होने चाहिए। जीएमसी बारामूला में हम रैम्प बना रहे हैं, बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है, बट काफ़ी चीज़ें हैं जिनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। एंड आई थिंक कि हम बतदरीज उस तरफ बढ़ते जा रहे हैं जहाँ पर हम मोर एंड मोर इंक्लूसिव सोसाइटी बनेंगे, जहाँ औरतें, बच्चियाँ, स्पेशली एबल्ड और ऐसे एक्सक्लूडेड सेक्शंस, चाहे वो किसी भी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को बिलोंग करते हो, वो इंक्लूड हो पाएँ और उनको ये महसूस ना हो कि हमारे बारे में कुछ सोच नहीं रहा।